Hello everyone, welcome to class number 92 of the chapter Programming Using C. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में. तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. सो स्ट्रक्चर क्या है, सी प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं. तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको हम यूज करते हैं. किस तरह का डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए, जिस तरह के डाटा टाइप में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के वेरिएबल में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, तो सिंपल टर्म में अगर समझें तो जैसे कि बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं, प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैर. तो ये कुछ प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स हैं जिन डाटा टाइप्स को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ वही पर्टिकुलर डाटा टाइप वाला वैल्यू ही स्टोर करके रख सकता है. अगर मैं डिक्लेयर करता हूं एक वेरिएबल बाय यूजिंग इंट डाटा टाइप, ओके, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करके रख सकता है. ओके, इसके अलावा और कोई भी तरह का वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकता और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही एक बार में क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है अगर हम कोई भी तरह का प्रीडिफाइंड डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप. जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बट सेम टाइप का. ओके, जिसको हम बोलते हैं एरे. ओके, जैसे कि सपोज मुझे स्टोर करना है एक सिंगल नेम यूज करके 5 इंटीजर वैल्यू. तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप. एंड डिराइव्ड डाटा टाइप आर डिराइव्ड और जनरेटेड फ्रॉम द बिल्टिन डाटा टाइप. बिल्टिन डाटा टाइप से ही डिराइव डाटा टाइप को डिराइव किया जाता है. बिल्टिन डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करके रख सकते थे एक वक्त में. बट डिराइव डाटा टाइप हमें अलाउ करता है उसको अगर यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम को यूज करके, सिंगल नेम को यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं बट सेम टाइप का. मतलब अगर मैं इंटीजर डाटा टाइप यूज कर रहा हूं तो वहां पे मुझे वो अलाउ करेगा इंटीजर डाटा टाइप वाला मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, कौन, एरे. बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप के बारे में. तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है. यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मतलब क्या, कि यूजर या फिर प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को कर रहा है तो उसके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जिस तरह का डाटा टाइप चाहिए उस तरह का डाटा टाइप अगर हम डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं खुद से, तो उसी तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. और उसी तरह का डाटा टाइप बनाने के लिए हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, कौन, स्ट्रक्चर. ओके, तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है उस तरह का डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए या फिर बनाने के लिए जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अलग अलग टाइप के. ओके, तो जैसे कि सपोज मुझे एक ऐसा डाटा टाइप चाहिए जिस डाटा टाइप को यूज करके अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं वो वेरिएबल मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकूं, एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकूं, एक फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकूं. तो यहां पे मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया ये वेरिएबल मुझे अलाउ कर रहा है इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, तीन अलग अलग टाइप के वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए. तो इस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्राम के अंदर हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ डाटा टाइप चाहिए जो कि नॉर्मली हमें कोई भी प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता. तो इस तरह के डाटा टाइप को पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके उस डाटा टाइप को यूज करके हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और डिक्लेयर करके उस तरह के वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू अलग अलग टाइप का स्टोर करके रख सकते हैं. तो वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को. सो क्या पता चला कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड टू
create a data type, जिसको हम mainly use करते हैं data type create करने के लिए या फिर define करने के लिए. किस तरह का data type create करने के लिए? जिस तरह के data type में हम store कर सकते हैं multiple values of different type, अलग-अलग types के. तो किस type का value हम store करके रखना चाहते हैं उस variable में, जिस variable को हमने declare किया है user defined data type use करके, तो वो हम define करेंगे अपने खुद से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अगर मैंने एक डाटा टाइप बनाया है, उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेअर करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो वेरिएबल में मैं एक इंटीजर वैल्यू, एक कैरेक्टर वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकूं, तो मैं अपने डाटा टाइप को उसी हिसाब से क्रिएट करूंगा. अगर मुझे एक ऐसा डाटा टाइप चाहिए, उस डाटा टाइप को यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेअर करता हूं, तो वो वेरिएबल में मैं सिर्फ float value और character value store कर सकूं, तो उसी हिसाब से मैं अपने data type को define करूंगा. तो यहाँ पे user defined data type इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि user या फिर programmer अपने requirement के हिसाब से data type को define कर सकता है या फिर create कर सकता है. उसको जिस तरह का data type चाहिए, उसी तरह का data type वो अपने खुद से, अपने requirement के हिसाब से बना सकता है. इसीलिए हम इसको user defined data type बोल के बोलते हैं. तो simple term में अगर बोलें तो structure क्या है? Structure एक user defined data type है जो कि हमें अलाउ करता है डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेअर करते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं अलग-अलग टाइप के, एक सिंगल नेम यूज करके. ओके, समझ आ गया इतना कि स्ट्रक्चर क्या है. उसके बाद आते हैं कि जबकि हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्यों यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब अपने मर्जी से प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद से कुछ डाटा टाइप अगर क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को. तो हम कैसे एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप, मतलब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं? हम एक सिंपल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड. ओके, तो struct keyword use करके हम क्या कर सकते हैं? By using struct keyword, we can define a user defined data type. एक user defined data type हम पहले define करेंगे, तब जाके उसी data type को use करके variable को declare करेंगे. Okay, तो हम structure को क्यों use करते हैं? User defined data type को create करने के लिए. तो user defined data type पहले create करेंगे, तभी जाके हम उस particular user defined data type को use करके variable declare करेंगे, और उसी variable को use करके हम जो भी data store करके रखना चाहते हैं, उसके बाद store करेंगे. तो पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक user defined data type define करना पड़ेगा या फिर create करना पड़ेगा. मतलब एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप हमें क्रिएट करना पड़ेगा. तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप को क्रिएट करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड को. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हम कैसे एक डाटा टाइप हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खुद बना सकते हैं. ओके, तो सिंटैक्स क्या है एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिफाइन करने का या फिर क्रिएट करने का? तो फर्स्ट हमें यूज करना है स्ट्रक्ट कीवर्ड, जो कि हमने यहां पे यूज किया. स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करने के बाद जो हम डाटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डाटा टाइप का नाम हम क्या रखना चाहते हैं? जैसे कि int, float, double, ऐसे नाम होता है ना, ये सारे क्या है? डाटा टाइप का नाम. तो वैसे हम जो अभी डाटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डाटा टाइप का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, वही नाम हम प्रोवाइड करेंगे यहां पे स्ट्रक्चर टैग एरिया में. ओके, तो सपोज मुझे यहां पे नाम देना है स्टूडेंट, मेरा डाटा टाइप का नाम मैं देना चाहता हूं स्टूडेंट. ओके, उसके बाद उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को हम डिफाइन करेंगे कि वो डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेअर करते हैं, तो वो वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है. जैसे कि इंटीजर डाटा टाइप को अगर हम यूज करते हैं, तो वो किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है? सिर्फ इंटीजर वैल्यू. मतलब उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम सिर्फ जो वेरिएबल डिक्लेअर करें, उस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं. तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जब हम बना रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर भी हम डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेअर करते हैं, तो वो वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है. तो वो डिफाइन जो हम करेंगे, डिफाइन को कहां पे करेंगे? इस पर्टिकुलर ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेअर करते हैं, तो उस वेरिएबल में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे कहां पे? यहां पे ब्लॉक के अंदर. ओके,
डिफाइन करने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद जैसे हम सेमी कॉलन देते हैं वैसे यहाँ पे सेमी कॉलन दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक डेफिनेशन, मतलब अगर हम अपने मर्जी से कोई एक डाटा टाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। ओके, तो इसको इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यूज किया है यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके मैंने यहाँ पे एक नाम दिया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का। मेरा डाटा टाइप का नाम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट। जिस डाटा टाइप को यूज करके मैं क्या करना चाहता हूँ, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहता हूँ अलग अलग टाइप का। तो किस किस टाइप का वैल्यू मैं स्टोर करके रखना चाहता हूँ, जैसे कि अगर एक इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं तो उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि इस डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। फर्स्ट इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, फ्लोट वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट डाटा टाइप क्रिएट किया है इस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो वो वेरिएबल मुझे अलाउ करेगा इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन उस पर्टिकुलर डाटा टाइप का जिस डाटा टाइप को हम खुद क्रिएट कर रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो इतना पता चल गया कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक सिंपल डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। ओके, तो डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। ओके, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद ही हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो अभी देखेंगे हम कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने जो डिफाइन किया है या फिर क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी देखेंगे उसके बारे में। ओके, तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं दो तरीके से। फर्स्ट तरीका है स्ट्रक्चर डेफिनेशन में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा स्ट्रक्चर डेफिनेशन का सिंटेक्स। तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन में जब भी हम एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के साथ साथ यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ओके, ये है एक तरीका। और एक तरीका क्या है, नॉर्मली हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कोई भी नॉर्मल बेसिक डाटा टाइप यूज करके, जैसे कि int, इंटीजर डाटा टाइप अगर यूज कर रहे हैं तो int नॉर्मली कैसे डिक्लेयर करते हैं, int डाटा टाइप का नाम उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो नॉर्मली हम जैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल वैसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं मतलब जो हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप जब डिफाइन करते हैं उस वक्त भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो दोनों को तरीके से हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर डेफिनेशन को यूज करके। तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन हम यूज करते हैं एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाया है जिस डाटा टाइप का नाम है स्टूडेंट। जिस डाटा टाइप में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। ओके, तीन तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का नाम क्या है, S1, S2, मतलब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक वेरिएबल या फिर मोर देन वन वेरिएबल। ये तो एक तरीका है। और एक तरीका देखते हैं कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल नॉर्मल बेसिक टाइप यूज करके जैसे डिक्लेयर करते हैं उस तरह से। ओके, जैसे कि सपोज मुझे इंटीजर डाटा टाइप यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करते हैं, नॉर्मली इंट उसके बाद वेरिएबल का नाम सेमी कॉलन। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक डाटा टाइप क्रिएट किया है स्टूडेंट। तो इस पर्टिकुलर डाटा टाइप का अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं तो कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो ये हो गया डाटा टाइप का नाम। उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अब मैं जिस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं, मैंने यहां पे डिक्लेयर किया वेरिएबल का नाम S1। ओके, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह अगर मैं लेता int
तो ये पर्टिकुलर एस वन वेरिएबल हमें अलाउ करता है इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है किस तरह का डाटा टाइप यूज करके, स्टूडेंट डाटा टाइप यूज करके। इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। ओके, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अलग अलग टाइप का। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है दो वेरिएबल, तो आप जितना वेरिएबल चाहो उतना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो ऐसे बेसिक डाटा टाइप में जैसे हम डिक्लेयर करते हैं उस तरीके से भी। ओके, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको यूज करके हम डाटा टाइप्स खुद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह का डाटा टाइप हमें हमारे प्रोग्राम में जरूरत है उसके हिसाब से। ओके, जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर करके। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके। उसके बाद हमने देखा डाटा टाइप तो डिफाइन हो गया, तो उसी पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके हम कैसे एक वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डेफिनेशन को यूज करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ नॉर्मल बेसिक डाटा टाइप में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को यूज करके, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।